वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम गलातियों के पुस्तक उसके पांचवें अध्याय के बाईसवें वचन को पढ़ेंगे पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज दया भलाई विश्वास नम्रता और संयम है यहां आत्मा का फल फल जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो यह दर्शाता है कि जैसे सेब का पेड़ सेब का फल ही उत्पन्न करता है आम का पेड़ आम का फल ही उत्पन्न करता है उसी तरीके से अगर पवित्र आत्मा में निवास करते हैं तो ये सब फल हमारे जीवन में प्रस्तुत होते हैं दिखाई देते हैं सोलवे वचन में लिखा है पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे हमारे शरीर की कई लालसाएं हैं, हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो अगर हम परमेश्वर की आत्मा को हमें निवास करने देते हैं पूरी तरीके से तो ये जो शरीर की लालसाएँ हैं इन्हें हम इन पर हम विजय पा सकते हैं क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं क्योंकि शरीर के काम उसी अध्याय में लिखा है अलग का शरीर के काम व्यविचार गंदे काम लुचपन मूर्ति पूजा टोना बैर झगड़ा ईर्ष्या क्रोध घमंड ये सब है तो ये सब जब भी हमारे जीवन में हम देखते हैं तो हमें पहचानना है कि पवित्र आत्मा के फल इसमें नहीं दिख रहे हैं मतलब हम में कुछ गलत है तो हमें फटा फटाफट जाके परमेश्वर से माफी मांगकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है ताकि परमेश्वर के आत्मा के जो फल हम ये जो प्रेम है जो पहला फल जो है प्रेम मेंशन किया गया है यह प्रेम वही प्रेम है जो हमने एक योना के चौथे अध्याय में पढ़ा था जो परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम दिखाया है वही प्रेम जो हमें दूसरों को भी दिखाना है तो जब हम पवित्र आत्म आत्मा से निवासित है तब हम यह प्रेम हम दूसरों को भी दिखा पाएंगे यह प्रेम शारीरिक लालसा या मित्रता का संबंध या किसी की तरफ आकर्षित होने वाला प्रेम नहीं है वह प्रेम अलग होता है यह प्रेम वह है जो परमेश्वर ने हमें दिखाया जो हमें दूसरों को भी दिखाना है और जब हमारे मन में प्रेम है दूसरों के लिए जब हम प्रेम रखते हैं तब तो हम आनंदित भी रहते हैं यह आनंद का मूल कारण तो फिर से परमेश्वर का ही प्रेम है और यह आनंद या सांसारिक परिस्थितियों का आनंद नहीं है कि हमारे पास बहुत धन है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे पति और पत्नी बहुत अच्छे हैं, या हमारे आ, आ, हमारा काम बहुत अच्छा है नहीं ये वो वाला आनंद नहीं है ये आनंद परमेश्वर की ओर से आनंद है जो प्रेम का आ, प्रेम की वजह से हमारे मन में जो आनंद आता है तो बताया गया है शांति यह शांति जब हम आनंदित रहते हैं और जब हम दूसरों से प्रेम रखते हैं तो हम शांति भी महसूस करते हैं क्योंकि हम दूसरों में बुरा नहीं देख पाते हम आनंद शांत शांति तभी हमें मिलती है परमेश्वर ये जो शांति हमें देते हैं ये परमेश्वर की ही शांति है कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए तो हम शांत रह पाते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने वचन में वायदे दिए हैं कि आ, तुम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम पहचान लेंगे कि ये परिस्थिति परमेश्वर की अनुमति के द्वारा आई हुई है जैसे अयुब के जीवन में आई थी तो हम शांत रह सकते हैं न? जब वह शांति जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे समझ के परे है ऐसा शांति जो दुनिया ये शांति समझ नहीं पाएगी कि इनके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए गरीबी आए कि दुख आए फिर भी ये कैसे ये शांति महसूस कर पाते हैं इस शांति का कारण है कि हमें समझ आया है कि हमारे पाप सारे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमेशा के लिए माफ किए गए हैं तो ना ही शैतान हमारे ऊपर उंगली उठा सकता है ना ही कोई उठा सकता है क्योंकि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा माफ किए गए हैं तो हम ये शांति के वजह से हम अपने भविष्य के बारे में हमारी सुरक्षा के बारे में और कई परिस्थितियों के बारे में हम हमें चिंतित होने नहीं देगी जैसे परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो तो ये चिंता हम तभी नहीं करेंगे जब हमें परमेश्वर की शांति हमारे मन में है तो यह शांति हमारे जीवन में तब भी दिखती है जब कोई भी परिस्थिति दुनिया के हिसाब से लगे कि बहुत ही कठिन और बेहाल है युहाना के सोलवें अध्याय के तैंतीस वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ तो रहेंगे तो यहाँ कोई अगर आपको कहे कि अगर आप विश्वासी बन जाओगे तो आपके मन आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ निकल जाएगी तो ये झूठ है क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही अपने मुंह से कहा है कि इस दुनिया में हमें तकलीफ़ रहेंगे क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं है हम अपने घर की ओर जा रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पर एक यात्री हैं जब ऐसी शांति परमेश्वर हमें देते हैं तो हमें धीरज भी रखना है कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो उसे हम धीरज के साथ उसे हमें धीरज के साथ सामना करना है कई बार समय काफ़ी बीत सकता है हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं लेकिन जैसे किसी एक नौकरी का इंतजार या शादी के मामले में इंतज़ार या बीमारी से छुटकारा पाने का इंतजार हर चीज़ में हमें धीरज दर्शाना है क्योंकि परमेश्वर का शांति हमारे साथ है परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है और परमेश्वर का आनंद हमारे साथ है तो इसके साथ हमें धीरज भी दर्शाना है तो परमेश्वर हमारी तरफ हमने परमेश्वर ने हमारी हमारी तरफ कितना धीरज दर्शाया है हम बार बार पाप की तरफ लौट चलते हैं लेकिन परमेश्वर ने बार बार हमें वापस लाया है तो परमेश्वर हमारी तरफ इतना धीरज रखते हैं तो हमें जीवन की परिस्थितियों की तरफ कितना धीरज रखना है जानकर कि कितने सुंदर जगह जा रहे हैं हमारे परमेश्वर के पास जहाँ पर कभी कोई दुख और तकलीफ नहीं है तो ये दुनिया की हर परिस्थिति में हमें धीरज दर्शाना है फिर अगला फल है दया अगर परमेश्वर ने हम पर दया नहीं दिखाया होता तो हम आज भी पाप में पड़े होते अगर परमेश्वर ने हम पर सिर्फ क्रोध दिखाया होता तो हम आज कहीं नहीं होते थे हम वही पाप में लोटपोट होते थे हम मूर्ति पूजा में पड़े रहते थे क्या हम दया के लायक हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई दूसरा दया के लायक नहीं है जब परमेश्वर ने हम पर दया दिखाया तो हमें दूसरों पर भी दया दिखाना है जैसे हम वो फरीसी फरीसियों के बारे में पढ़ते जो उस स्त्री को परमेश्वर के पास लाए यीशु मसीह के पास लाए थे उसको पत, उसको पथराव करने देखना चाहते थे कि यीशु मसीह उन्हें क्या कहेंगे लेकिन यीशु मसीह ने उसे माफ़ किया क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि वो फरीसी भी उतने ही पापी थे वो धर्मी तो नहीं थे जितना वो बाहर ही दिखावा करते थे तो जब हम दूसरों को ऐसा नीचा दिखाते हैं कि वो कुछ नहीं है वो तुच्छ हैं तो हम अपने आप को स्वधर्मी दिखाते हैं और जब हम अपने आप को स्वधर्मी दिखाते हैं वो अभी एक पाप है वो परमेश्वर पसंद नहीं करते तो अगर हमारे दुश्मन को भी हम तकलीफ में देखें तो हमें उन्हें दया दिखाना है इससे हम उसके सिर पर क्या उंडेलते हैं परमेश्वर के वचन पे लिखा है कोयला जैसा जलता हुआ कोयला जैसा हम उनके सिर पर डाल देते हैं जब हम उन पर दया और प्रेम दिखाते हैं तो आ, हमें हमेशा दूसरों पर दया दर्शाना है फिर भलाई भलाई या अच्छे काम जब हम लोगों पर दया दिखाते हैं तो सिर्फ बोल कर नहीं दिखाते हैं। हमें कर्मों से उनके लिए कुछ करके दिखाना है सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है यीशु मसीह ने सिर्फ अगर कहा होता कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन उन्होंने अगर वो क्रूस पर वो बड़ा बलिदान करके वो प्रेम दर्शाया नहीं होता तो कुछ फायदा नहीं होता था तो परमेश्वर को प्रेम दर्शाना पड़ा जिस प्रकार से हमें भी अपना प्रेम दूसरों को दर्शाना है सिर्फ कहकर नहीं बल्कि करके दिखाना है फिर है विश्वास योग्यता यह एक ऐसा गुण है जो हमारे कामों में दिखाई पड़ता है इसमें विश्वास और विश्वास योग्यता दोनों शब्द आते हैं विश्वास वह है जो हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है परमेश्वर ने हमारी तरफ हमारे विश्वास के द्वारा विश्वास योग्यता दिखाई है परमेश्वर विश्वास योग्य है परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करते हैं यह विश्वास के परिणाम स्वरूप हमें दूसरों की तरफ और परमेश्वर की तरफ हमारे जीवन से विश्वास योग्यता दिखाना है तो यदि हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास योग्यता नहीं दिखाते हैं तो हम परमेश्वर के नाम पर निंदा लाते हैं यदि लोग जानते हैं हमारे काम जहां हम काम करने जाते हैं कि हम एक विश्वासी हैं लेकिन हमारा काम इतना बेकार है कि बहुत ही बेकार है कि हमारे बॉस हमें बार बार डांटते ही रहते हैं कि तुमने कैसा काम किया है तो हम परमेश्वर के नाम पर निंदा ला रहे हैं तो याद रखिए कि हम जो भी काम करते हैं वो इतना हंड्रेड परसेंट काम करना है चाहे वो घर में बर्तन धोने का काम हो झाड़ू पोछा मारने का काम हो कपड़े धोने का काम हो या बॉस का काम हो बॉस के असिस्टेंट का काम हो जो भी काम हो परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह रखे हैं तो हम जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से हम परमेश्वर के नाम पर महिमा या निंदा लाते हैं तो अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमारा काम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए और हम जिस पड़ोसी पड़ोस में रहते हैं आस पड़ोस के लोग हमें जानते हैं कि ज़्यादातर एक सौ सौ फ्लैट्स में ज़्यादातर एक या दो विश्वासी रहते हैं तो हमारे ऊपर नज़र ज़्यादा रहती है तो हमें उतना परमेश्वर का महिमा अपनी ज़िंदगी से करना है हम सिर्फ बोले कि हम विश्वासी हमारे डोर में स्टिकर लगाते कि हम विश्वासी हैं लेकिन हर दूसरे दिन हम अगर, अगर अपने पड़ोसी से झगड़ा करें या उन, उन उनको जब मदद लगे तो हम मदद करने से मना कर दें तो हम परमेश्वर के नाम पे बहुत ज़्यादा निंदा लेके आते हैं इससे अच्छा है हम वो स्टिकर हटा दें हम बताए ही नहीं हम किसी को कि हम विश्वासी हैं वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम जब विश्वासी अपने आप को कहते हैं तो हमारे कर्मों से हमें दिखाना है फिर है नम्रता या दीनता नम्रता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारा ताक, हमारी ताकत दिखाती है जब हम परमेश्वर में दृढ़ है तो हम समझ सकते हैं कि सृष्टि के निर्माण करने वाले प्रभु ने अपने आप को इंसान का मनुष्य का रूप धारण कर लिया तो हमें और कितना नम्र होना चाहिए अगर परमेश्वर खुद अपने आप को एक इंसान पापी इंसान के रूप में चाहे उन्होंने अपने किया लेकिन वो जो शरीर था वो परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया कितना नम्र हो गए और किस एक चरनी में पैदा होने तक नम्र हो गए वो तो एक महल में भी पैदा हो सकते थे नहीं लेकिन उन्होंने चरनी में जन्म लिया तो ऐसे नम्रता को हम परमेश्वर में देखते तो हमें अपनी जिंदगी में कितनी नम्रता दिखानी चाहिए हम कितने भी अमीर हो हाँ हमारे पास कितना भी संपत्ति हो हमें नम्रता दिखानी है जब हम नम्र स्वभाव के होते हैं तभी दूसरे लोग हमें सुलभ समझ हमारी मदद मांगने आएंगे क्या आप किसी घमंडी इंसान से मदद मांग पाओगे घमंड शैतान की ओर से है जिस वजह से परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था तो एक विश्वासी के जीवन में घमंड के लिए कोई जगह नहीं है घमंड यह दर्शाता है कि हम अपने प्रभु को सही तरीके से समझे नहीं हैं फिर आखिरी फल है संयम या सेल्फ कंट्रोल परमेश्वर पवित्र आत्मा की मदद से हमें अपने मन और शरीर दोनों पर काबू रखना है ठीक है सिर्फ मन पर काबू रखना और शरीर पर काबू नहीं रखना उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है देर हैज टू बी बैलेंस बैलेंस होना चाहिए मन में प्रवेश करने वाले बातें हमारे कहाँ से अंदर जाती हैं हमारे आँखों से हमारे कानों से प्रवेश करती है तो हमें संभालना है कि हम क्या देखते हैं क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं और ये संभालना ये जो है हमें अपने बच्चों तक मॉनिटर करना है कि वो क्या सुनते हैं क्या पढ़ते हैं सिर्फ यूट्यूब लगा के दे देने से बच्चे कुछ भी देखेंगे हमें देखना है कि वो क्या देखते हैं कि जब हम जब तक वो हमारे नियंत्रण में हैं तब तक ही हम उनको संभाल सकते हैं तो आज जो आप उन्हें शिक्षा देंगे वही कल जाके वो करेंगे चाहे बीच में वो थोड़े समय के लिए आ, हट जाए लेकिन परमेश्वर उन्हें वापस लाएंगे क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का वचन बैठ चुका है और आपके जो आपने सही उनको सही समय में जो करेक्शन किए हैं जो सुधराव किया है वो उनके मन में वापस आएगा तो आप जरूर संभालिए आपके बच्चे क्या देखते हैं क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं और साथ ही साथ हमें भी अपने जीवन से उनको दर्शाना है कि हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम गलत चीज़ सुनते और पढ़ते हैं और अगर हम अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करता हमें वही करना है जो हम चाहते हमारे बच्चे करें तो परमेश्वर का वचन सुनना और पढ़ना सबसे उत्तम है हमारे शरीर में क्या प्रवेश करता है इसका द्वार हमारा मुंह है अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है हमारा डाइट अच्छा नहीं है हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हमारा सेहत ख़राब हो जाएगा हमारे खाने पीने की आदतें हमें अच्छी रखनी चाहिए तो इससे हमारा सेहत अच्छा रहेगा अच्छी सेहत हो तो हमारा मन भी खुश रहता है हाँ अच्छी सेहत हो तो हम ईशु प्रभु यीशु की सेवा भी और उत्तम तरीके से कर सकते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा हो